मार्बल सिटी के मदनगंज व गांधीनगर पुलिस थाने में शांति समिति सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। मोहर्रम सहित अन्य त्योहारों पर बनी रहे कानून व शांति व्यवस्था, इसको लेकर चर्चा की गई। पुलिस प्रशासन ने मोहर्रम कमेटी के सदस्यों से चर्चा की। एडिशनल एसपी दीपक शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। दीपक शर्मा ने कहा, कमेटी को जिस रूट की स्वीकृति दी गई है उसका पालन करे, रूट में किसी तरह का बदलाव नहीं करे। सीओ महिपाल चौधरी ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तैनात है, पुलिस के सहयोगी बने, जुलूस में व्यवस्था रखने के लिए समाज के लोग भी साथ रहे। सीआई शंभू सिंह ने अनुशासित तरीके से जुलूस निकालने का आह्वान किया। बता दें, गांधीनगर थाने में थाना अधिकारी सुरेश सोनी ने कमेटी के सदस्यों से चर्चा की। इस दौरान कमेटी सदर पप्पू भाई कुरेशी ने कहा कि कई जगह बिजली के तार नीचे हैं, उन्हें ऊंचा कराने व जुलूस मार्ग में क्षतिग्रस्त सड़कों को सही कराने की मांग भी की। साथ ही इमामवाड़ा से गांधीनगर से होकर रूपनगढ़ रोड, आरओबी व्यापारी मोहल्ला, कसाई मोहल्ला होते हुए मुख्य चौराहे पर मोहर्रम के ताजी आएंगे, इसको लेकर चर्चा की गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील।